नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र के बारे में। तो इसमें हम लोगों पहला चैप्टर बात करनी थी। पहला चैप्टर आपका क्या है? पालमपुर गांव की कहानी। याद रखिए एक बात आप लोग हमेशा, कि कक्षा 6वीं से जो कक्षा 8वीं तक हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स देखी हैं, वो जरूरी हैं आपके लिए। आप पढ़ लें तो बेहतर होगा। याद रखिए, कक्षा 9वीं से जो 12वीं तक की बुक्स हैं ये, लेकिन बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप, एक समय हो सकता है कि बैकग्राउंड अच्छा हो आपका, तो आप कक्षा 6वीं से 8वीं तक की बुक्स को छोड़ दें, लेकिन 9 से 12 किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। इन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग पालमपुर गांव की कहानी की को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बड़े धैर्य के साथ आपको पढ़ना है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव यानी कि पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं, जैसे आपका लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर ही की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे साहिबपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन, जैसे आपकी मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रैक तक देखे जा सकते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपके यहाँ अभी भी बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी चलती है। कोई ऐसा हो जो अभी भी देखता हो इस तरह की, क्योंकि यह अधिकतर क्षेत्र में बंद हो चुकी है। आगे बात करते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। ये आप लोग अधिकतर जगह देखते हैं कि अधिकांश भूमि के जो स्वामी होते हैं आपके यहाँ, वो उच्च जाति के ही होते हैं। उनके मकान चिन्ह से कुछ बहुत बड़े हैं और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी कि दलित एससी के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनसे कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इसका प्रयोग उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। देखिए, ये आपका बैलगाड़ी इस तरह से। चलिए, अब कम से कम किताबों में ही देख लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द बचे हुए हैं और कुछ ऐसी चीजें बची हुई हैं जो केवल किताब में हैं। जैसे आप नेता को ले लीजिए, वफादारी को ले लीजिए, इज्जत को ले लीजिए, ये किताबों में अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में खत्म है बैलगाड़ी। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जा गया है, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हमें उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने की बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है
जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है आपकी भूमि की तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता होती है श्रम की, जो लोग काम करेंगे वहाँ। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। और तीसरी आवश्यकता है आपकी पूंजी, भौतिक पूंजी की, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत होते हैं। याद रखना, आप किसी भी का, जैसे आप कृषि का उत्पादन कर रहे हैं तो किसी के लिए आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी, या फिर कोई भी उत्पादन हो, कोई कंपनी लगा रहे हैं, कोई भी हो एक्सपायर, तो सबसे पहले वहाँ आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको पानी की जरूरत पड़ेगी वहाँ, इस तरह पानी हो गया, खनिज हो गया, फिर आपको उस पर खेती करने के लिए श्रम की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की पड़ेगी कि नहीं, और फिर भौतिक पूंजी भी की जरूरत पड़ती है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान के कहल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे आपका जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। फिर आपका कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। याद रखा करिए, क्या याद रखना है? औजार, मशीन, भवन को क्या कहते हैं? इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। कच्चा माल और नगद पैसे को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। यहीं से आपका अर्थशास्त्र का मेन उद्देश्य यानी कि मजबूत आधार, मजबूत होने की प्रणाली चालू होती है आपकी। औजार, मशीन, भवन को स्थायी पूंजी, कच्चा माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपका स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे क्या कहते हैं? मानव पूंजी। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। मानव पूंजी ना होती तो कुछ भी ना होती, मानव संसाधन नहीं होते तो कुछ भी नहीं होते। सबसे बड़ा विकसित देश होने का, किसी भी देश का विकसित होने का मेन पर्पज, उसका मतलब उद्देश्य उसमें शामिल रहता है मानव पूंजी। देखिए, आपका जापान दो परमाणु हमला झेलने की बात भी विकसित देशों में गिना जाता है, क्योंकि वहां के लोगों की मानव संसाधन बहुत तड़ी है, यानी कि मानव पूंजी शक्तिशाली है। चित्त में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। देखिए, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादक उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हमें उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, ठीक है? याद रखिए, पालमपुर में खेती भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन का प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, और पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि
को कुछ कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका हो सकता है? यहाँ पढ़ ली, भूमि मापने का की मानक इकाई होती है हेक्टर। एक भी गांव से भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्र के फल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? ठीक है, कहीं कहीं 2.5 बीघा होता है, 1 हेक्टेयर बराबर कहीं कहीं 3 बीघा भी होता है। ठीक है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका हो सकता है? जैसे आपके यहाँ 10 साल पहले वही उसी भूमि पर पैदावार होता रहा है, अब उसी पर अधिक पैदावार उत्पादन हो सकता है, ऐसी कोई प्रक्रिया हो सकता है? चलिए इसे भी देखते हैं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देख करते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम यानी कि रबी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में साहेबपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, इसका मुख्य प्रभाव यहाँ पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक की मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जोते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी। भारत में सभी गांवों में ऐसे उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके भी विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है, इसीलिए हमारी फसल को, हमारी कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं क्योंकि उसी पर निर्भर रहती है अधिकतर कृषि। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध मतलब एक से अधिक फसल उगाना, बहु का मतलब होता है एक से अधिक, आपने सुना होगा बहुविवाह, बहुल, समझ में आया? यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसानों कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ये आपका गेहूं हो गया, देख लीजिए, ये आपका बाजरा है, ये आपका गन्ना है, इस तरह से आपका आलू होता है। ठीक है, देख लीजिए संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्रफल 1950-51 में 129 मिलियन हेक्टर था, जो 2014-15 में 155 मिलियन हेक्टर हो गया बढ़कर। ठीक है, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को पढ़ सकते हैं।
आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़ों से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि एक ही धरती पर अलग अलग फसलें। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना, हरित क्रांति। समझ में आया? जो हरित क्रांति थी वो उत्पादन बढ़ाने की ही लिए उद्देश्य लाई गई थी। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे में मात्रा अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कई अधिक अनाज की पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी, अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से संभव थी। याद रखिए, सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं और चावल पर ही पड़ा था। आधुनिक कृषि के तरीके देख लीजिए, बिजली बांध हो गया आपका, पंप सेट, नहरें, सिंचाई, आधुनिक कृषि विधियां, कीटनाशक, उर्वरक, अधिक उपज वाले बीज, ट्रैक्टर, इस तरह से देख रहे हैं आधुनिक चीजों का इस्तेमाल होने लगा। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिनकी जुताई कटाई के काम को तेज कर दिया। इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। और इसी भारत के इस पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत कुछ अच्छी है, वरना अन्य हमारे भारत के अन्य क्षेत्रों में किसानों की हालत बड़ी टाइट रहती है। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में पड़ा था। ठीक है, पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम यानी कि 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक पहुंच गई, 1300 से बढ़कर 3200 किलोग्राम तक। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। दालों एवं गेहूं का उत्पादन करोड़ टन में, देखिए ये दालों का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन 1965-66 में 10 करोड़ टन, गेहूं का भी 10 करोड़ टन। वहीं 2017-18 की बात करें हम लोग तो 24 दालों का उत्पादन टन में, करोड़ टन में 24, 10 से बढ़कर 24। और यहां गेहूं का उत्पादन 97, गेहूं में कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? क्या भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार की अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग में से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है।
कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। देख लीजिए, पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी ने लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया जाता है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आदतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब यही हुआ सीधी सी बात कि आप लोग बुखार आता था तो कोई भी टेबलेट टेबलेट यानी कि वैक्सीन ले लेते थे, दवाई ले लेते, ठीक हो जाता था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि एक बहुत बड़ी हद तक प्रयोग करने लगे। कुछ भी हुआ, सर्दी हुई, तुरंत दवा ले ली जाके, तो क्या हुई, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई। उसके बाद हमें ऊंचा डोज लेना पड़ता है दवाई का, तभी हम लोग सही होता है। इसी तरह रासायनिक का होता है कि हाल में फायदा हो जाता है लेकिन उसके बाद उसका नुकसान दिखना चालू होता है, फिर उससे ज्यादा हमें प्रयोग करना पड़ेगा रासायनिक खाद का, तब बढ़ेगा उत्पादन। ठीक है, बात करते हैं पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई है, यानी कि 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। आपके बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों की परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 के में कृषक गोविंद के पास 2.25 यानी कि 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उनके 3 पुत्रों के बीच बट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे। वर्ष के कुछ भाग में इन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। यही तो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव में किसी को भी ले लीजिए, उदाहरण के लिए उनके पास 10 बीघा है, उसके बाद उनके बेटे हुए तो उनमें बंटवारा हो, उसके बाद उनके पोते हुए उनमें भी बंटवारा हो। क्या करते हैं अधिकतर लोग, क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र का बिछड़ने का सबसे मुख्य कारण यही है कि जिस खेत को काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है वहां 10 आदमी घुसे पड़े हुए हैं, ठीक, और आसपास अपना दूसरा काम भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि मिश्रित कृषि में आप ले सकते हैं भैंस पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन। इस तरह से क्या होगा कि उसमें कुछ लोग लगे रहें, इसमें कुछ लोग लगे रहें, तो क्या होगा कि आय भी बढ़ जाएगी और आपका परिवार भी सुख सुख सुखद रहेगा, यानी कि खुशहाल रहेगा। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरी हुई भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या फिर इससे अधिक भूमि होती है। आप पंजाब और हरियाणा में देखा होगा
उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ क्या करते हैं कि किसान अपनी खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। क्या होता है कि आय का स्रोत इनका बढ़ जाता है। देखिए, खेतों में कार्य, कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव, आधुनिक एवं परंपरागत विधियों में से फसलों की जुताई करना। पहले आपकी इस तरह से होती थी, उसके बाद इस तरह से। पहले कीटनाशक इस तरह से छिड़कते थे, लेकिन अब देखते होंगे आप लोग इस तरह से। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मझोले और बड़े कृषक 2 हेक्टर से अधिक, सीमांत एवं छोटे कृषक 2 हेक्टर से कम। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, यानी कि मेहनत। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर, यानी कि मजदूरी पर रखते हैं। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को उचित 1.6 में पहचानिए तथा उचित क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या फिर बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है, जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर आपके पास भूमि है बड़े स्तर पर, तो आप किस लिए दूसरे के यहाँ काम करें? तो ये श्रमिक वही लोग होते हैं जिनके पास या तो भूमि ना के बराबर है या फिर भूमि है ही नहीं है। ठीक है, मजदूरी नगद या फिर वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई हो गई, कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिकों या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं या फिर उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। इस तरह आप लोगों ने देखा होगा, या तो आपके यहाँ जो श्रमिक आता है, मजदूर आता है, वो दिन में 100 रुपये, 200 रुपये या फिर पूरे काम के हिसाब से किस काम को करना है, इस तरह से लगाए जाते हैं। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये, ये आपका मार्च 2017 में निर्धारित किया गया था, लेकिन डाला को मात्र 160 ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन पर में भी काम करने की को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। आपने देखा होगा कि न्यूनतम वेतन एक निर्धारित करने के लिए कई आपके नियम कानून भी हैं, लेकिन कहाँ लागू होते हैं? जहाँ एक श्रमिक की जरूरत है वहां पांच पांच जाएंगे, तो उनकी जो वेतन होगी वो तो कम करेंगे ही लोग। आजकल हम काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है, उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को भी छिड़कते हैं। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे का पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपये लिए थे, जब खेतों में काम नहीं था। मैं ऐसे कैसे चुका
चुकता कर पाऊंगा। मैं दो वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा, इस तरह के साहूकारों से ऋण लेते रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की बात करते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः आप किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या फिर गांव के साहूकारों से या फिर खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वालों व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। कविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती औजारों का की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अरमान है कि कार्यशील पूंजी के रूम में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सर्विता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने का खुद तैयार हो जाते हैं। इस तरह का जो कर्ज होता है उस पर ब्याज भी उच्च रहता है। जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर होती है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में 1 सेमी के रूम में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिकों की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों की कर्ज को कर्ज मिलना बहुत कठिन होता है। आप सोचिए, इस तरह अगर वो कोई कर्ज लेता है, उसके बाद अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो वो क्या स्थिति होती होगी उनकी। बात करते हैं छोटे किसानों के विपरीत, मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। हमने उत्पादन की 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा है। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक। ऐसे अनेक लोग जो गांव में खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से या फिर कम भूमि है, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। अब बात करते हैं अधिशेष कृषि उत्पादों की भूमि पर। याद रखिए, जो भी इस तरह के प्रयोग क्रियाकलाप होते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़ के निकल जाया करिएगा, क्योंकि पता है आपको पेपर नहीं लेना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और जो ज्यादा होता है उनके पास अधिशेष इसे बेच देते हैं। बोलो, सविता और गोविंद गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देखी थी हम लोगों ने।
बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देता है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं होता है। एक क्विंटल में आपके 100 किलो होता है, 100 100 केजी, ठीक है, 100 केजी। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष में तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसे बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया था। इस वर्ष में तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर भूमि में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपने अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा दुकानदार अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं देखते हैं। हमने देखा है कि पालमपुर में खेती की ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, यानी कि 75% आपके कृषि से संबंधित काम करते हैं। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों की को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में होने वाले ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के गांव, बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। साहेबपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला, जहां से दूर 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 दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है दूध। हम तीन किसानों के उदाहरण लेते हैं। पितेक ने अपने खेतों में गेहूं बोया, यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। दूसरा किसान, एक स्तंभ दो में दूसरा किसान। पितेक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान है। देखिए स्तंभ तीन, तीसरा किसान। इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दोगुना होता है। सारणियों को पूरा करें। याद रखिए, इस तरह की जो भी क्रियाकलाप होते हैं इन्हें पढ़कर निकल जाया करिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया करिए, ठीक है? आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अपने निकल जाना है। उत्पादन होगा, उपयोग अधिशेष, उत्पादन उपभोग अगले वर्ष के लिए पूंजी, उत्पादन 100, इसमें से उपभोग हो गए 60, अधिशेष उत्पादन जो बचा 60, अगले वर्ष के लिए पूंजी हो गई आपकी, यानी कि आपकी खेती में 100 क्विंटल होता है जिसमें से 40 उपभोग हो जाता है, यानी कि आपके उपयोग के लिए हो जाता है। 60 क्विंटल आपके लिए अधिक बच, आपके पास अधिक शेष बचता है, यानी कि उपयोग होने के बाद ये अगले वर्ष के लिए आपकी पूंजी हो जाती है, ठीक है? इसी तरह आप देख सकते हैं, वर्ष दो में 120 क्विंटल होता है, इसमें 40 आपका उपभोग हो जाता है, बाकी जो 80 क्विंटल बचता है वो अगले वर्ष के लिए अधिशेष हो जाता है, ठीक? पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है, उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है।
श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। मिस्री लाल की कहानी, चलिए इन कहानियों को भी देख लेते हैं। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी, बिजली से चलती है, उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता है। गन्ने को पेरने के बाद इसे गुड़ में बदला जाता है, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उसे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर साहेबपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। करीम की कहानी पढ़े तो करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी साहेबपुर शहर के कॉलेज जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर और उपयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खोले खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इस कक्षाओं में आना प्रारंभ किया। एक ही जगह अन्य तरह अलग अलग तरह की लोग काम करते हैं इस कंपनी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहां तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर के एक पास में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें बेचते हैं। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। यही हम लोग किशोर की कहानी भी देख लेते हैं। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या फिर कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर साहेबपुर जाता है। हर एक महीने से उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई कार मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कमाने लगा। अब बात करते हैं सारांश, यानी कि किसी अध्याय को पढ़ने का सारांश क्या था, पूरा निष्कर्ष क्या था। गांव में खेती मुख्य उत्पादन की जाए। पिछले वर्षों में खेती की विविध विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत इनके लिए कठिन होता है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है।
कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के लिए अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक पिछड़ है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र काम करना प्रारंभ कर दिया। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के कृषि गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत कम होती है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपने ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की दर कम उपलब्ध हो, यानी कि जो ब्याज मिले उस पर दर कम रहे, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सके। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहाँ वस्तुओं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे जाना गांव कस्बों शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन, टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। तो इस अध्याय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य सिर्फ है कि अर्थव्यवस्था किस तरह चलती है, और अगर आप लोग अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ते रहते हैं तो आपको अर्थशास्त्री बना देगा, समझ अर्थव्यवस्था की विकसित करेगा। इसी अध्याय से संबंधित आपके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है, देख लीजिए अगर देखना हो। और जो आपकी PDF थी वो टेलीग्राम पर डाल दी थी मैंने, ठीक है, उसे वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए, याद रखिए। और अब इन जो भी आपकी कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बुक्स हैं इन्हें छोड़ना भी मत, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए, ये था हमारा पहला अध्याय। दूसरे अध्याय, अगले अध्याय में हम लोग बात करेंगे संसाधन के रूप में लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहेगा आपका।